फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जूती बताने जा रही हूँ। बच्चे लोगों के लिए मोजा है, ठीक है, 1 साल के बच्चों लोग के लिए है ये मोजा। आज मैं यही आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, बहुत ही आसान है बनाने में, ठीक है। छोटे बच्चों लोगों के लिए है जो 1 साल के बच्चे तक पहन सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 30 फंदा डाला है। 30 फंदा डाल लीजिए। 30 फंदा डालने के बाद 3 घर आगे साइड से 3 घर उल्टा 30 फंदा डाल लीजिए। 30 फंदा डालने के बाद आगे साइड से 3 घर उल्टा, बाकी सब सीधा बुन लीजिए, फिर यहाँ 3 घर उल्टा बुन लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, घर डालने के बाद आप 1-2 घर उल्टा सीधा बीन लीजिए, उसके बाद ये स्टार्ट कीजिए। देखिए, उल्टा बीनने के लिए 3 घर जब भी उल्टा बीनिएगा, इसे भी बीन लेना है उल्टा साइड से, ठीक है। ये किनारे वाला को भी उल्टा साइड से इस तरह से बीन लेना है, 3 घर उल्टा, इस तरह से 3 घर उल्टा बीनिए। अब बाकी घर को सीधा बीन लीजिए। बाकी घर हम सीधा बीनेंगे, पूरा सीधा बीन लीजिए। देखिए, ये सीधा बीन लीजिए। सीधा बीनने के बाद यहाँ 3 घर उल्टा बीनना है, फिर साइड में भी ये 3 घर उल्टा बीन लीजिए। ये आपको पहला कांटा इसी तरह से बीनना है। अब पीछे साइड जो है, ये 3 घर उल्टा आगे साइड से बीनना है, अब पीछे साइड पूरा उल्टा बीन लीजिए। पीछे साइड पूरा उल्टा ही बीनना है, ठीक है। किनारे साइड को भी बीन लेना है, किनारे साइड को भी हर बार बीन लीजिएगा दोनों तरफ से उल्टा। इस तरह से पूरा कांटा उल्टा बीन लीजिए, ठीक है। उल्टा साइड से पूरा उल्टा बीन लीजिए। फिर सीधी ओर आइएगा, फिर इसे उल्टा साइड से उल्टा बीनना है, ठीक है। इसे उल्टा साइड से उल्टा बीन लीजिए। किनारे घर को भी जरूर बीनिएगा उल्टा। ये फिर सीधा बीन लीजिए, 3 घर उल्टा बीन लीजिए, अब बाकी घर को सीधा बीन लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको ये पूरा बीनना है। ये 18, देखिए ये जो धारी आपको दिख रहा है, ये उल्टा वाला धारी जो दिख रहा है, ये 18 धारी तक बीन लीजिए, यानी कि 36 कांटा आपको बीनना है, ठीक है। 18 धारी इसी गिन लीजिएगा, ये 18 हो जाना चाहिए। ये 18 अगर हो गया तो आप बंद कर दीजिएगा। फिर आगे हम अंगूठा बनाएंगे। ओके, सीधा ये कंप्लीट हो गया। 3 घर उल्टा हम बीन लेंगे साइड से, किनारे साइड उल्टा बीन लेंगे। किनारे घर को भी आपको बीनना है उल्टा साइड, देखिए पूरा उल्टा बीना हुआ है। किनारे को भी उल्टा साइड से बीन लीजिए इस तरह से, ठीक है। उतारना नहीं है, हमेशा इसको बीनते जाना है। देखिए, मैं 10 नंबर का कांटा से बीन रही हूँ। आप चाहे तो और भी मोटा ऊन से अगर बीनते हैं तो 9-8 नंबर से भी आप बीन सकते हैं। इस तरह से पूरा उल्टा साइड उल्टा बीन लीजिए। देखिए, अब ये पूरा बिना चुका है, 36 कांटा बीन लीजिए, या फिर आप इसे गिन सकते हैं। ये वाली देखिए, ये लाइन को, ये 18 लाइन होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 देखिए, 18 काट, ये वाला लाइन 18 होना चाहिए, ठीक है। ये 18 लाइन आप ध्यान रखिए तो दूसरा भी बना सकते हैं पैर का। अगर देखिए अंगूठा इधर साइड बनाना है तो ये इस तरह से इसे उल्टेगा, और इस तरह का देखिए, इस तरह से ये अंगूठा इधर आएगा, और इधर का पर अगर बनाना है तो इसका अंगूठा इधर साइड से आएगा, ठीक है। ये इधर साइड से हम मोड़ेंगे, और इधर पैर के लिए इधर साइड से मोड़े, दाहिना साइड के लिए, ठीक है। दोनों का दोनों साइड से बंद होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये 10 घर, ये 10 घर अब
हम यहाँ पर बीन लेंगे। देखिए एक, ये दो, तीन, चार, पांच, पांच घर ये हो गया, ठीक है। अब पांच घर ये, एक दो तीन चार पांच, ये पांचों घर को हम इस तरह से बीन लेंगे। आप यहाँ दस उठा के लिए दस घर रखिए, ठीक है, या ग्यारह घर चाहे बारह घर, आप अपने अनुसार से उठा के लिए घर रख सकते हैं। ऐसे हम दस ही घर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए ये दस घर हम उतार लिए हैं, बीन लिए हैं, ठीक है। अब इसको हमको दो कांटा पर करना है, ठीक है। इस घर को पांच पांच करके इसे हमको दो कांटा पे करना है। देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह से बीनेंगे, ठीक है। देखिए ये पांच पांच घर को दो तरफ कर लीजिए उल्टा साइड से। देखिए ये दस घर को पांच पांच करके अलग अलग कांटा पे उठा लीजिएगा, ठीक है। ये धागा हमेशा इधर रहना चाहिए तब आप बीन सकते हैं। देखिए जैसे एक घर को है हम उतार लिए, ठीक है, इसे हम बीनेंगे। इधर वाला जो कांटा है इसे हम इस तरह से बीन लेंगे या फिर उतार भी लीजिए, ठीक है। पहला घर, ये घर को भी उतार लीजिए। ये देखिए पीछे का कांटा को बीनना नहीं है, इसे उतार लीजिए। इसे उतारने के बाद फिर इधर आगे साइड वाला जो कांटा है उसको हम बीनते जाएंगे उल्टा साइड से, ठीक है। अब इसको फिर उल्टा साइड से ये आगे वाला घर को बीन लीजिए इस तरह से, इसको उतार दीजिए। फिर पीछे वाला घर को इस तरह से उठा लीजिए, उसको बीनना नहीं है। फिर आगे वाला कांटा का पांच घर जो है उसको बीनना है, एक घर बीनना है। फिर पीछे वाला कांटा का एक घर इस तरह से उठा लीजिए। फिर इस तरह से आगे वाला का भी, आगे वाला को इस तरह से बीन लीजिए। ये पीछे वाला कांटा जो है, जो घर को भी हम उतार रहे हैं उसको बाद में हम बीनेंगे, ये घर इस तरह से बीन लीजिए। अब ये घर, ये जो पीछे कांटा का, इसको भी इस तरह से उतार लीजिए। तो आपका ये एक कांटा पर आ जाएगा, ये दस घर एक कांटा पर आ गया है। देखिए ये इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम अभी ये घर नहीं बीने हैं, इसको बीनना है। देखिए एक घर बीनना है, अब पीछे जो हम बीने थे उसको उतार लेना है, एक घर उतार लेना है, एक घर बीनना है, एक घर उतारना है, एक घर बीनना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक भी घर अगर उल्टा बिना गया तो आपका अंगूठा नहीं बन पाएगा, उंगली अंदर नहीं जा पाएगा, फिर आपको खोल के ठीक से करना होगा, ठीक है। इस तरह से फिर ये घर उतार लिया, इस तरह से अंगूठा के लिए बीनते जाना है। जो घर को हम बीने थे उसे नहीं बीनेंगे, जो नहीं बीने थे उसे बीनना है। देखिए ये किनारे वाले घर को आप बीनेंगे, इसको उतार लेंगे, एक घर बीनना है। ये देखिए ये दिखता है, ये पीछे का है, इसे नहीं बीनना है, इसको उतार लेना है। फिर इसे बीनना है, इसे उतारना है, इसे बीनना है, इसे उतारना है। इस तरह से पांच घर बीनाता है, पांच घर उतार लिया जाता है। तो आपका ये देखिए उंगली घुसाने के लिए अंगूठा बनता जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए ये घर जो है नहीं बीनना है, ये घर बीनना, आगे साइड का इस तरह से एक घर उतारिए, एक घर बीनिए। जो बीना हुआ नहीं है उसे बीनना है इस तरह से। इस तरह से आप अंगूठा के लिए जितना भी लंबाई है आपका अंगूठा बच्चों का, उस हिसाब से आप बना सकते हैं।
जोर से उल्टा उल्टा बीन लीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको बीनना है ताकि इसमें देखिए ये उंगली घुस जाएगा। इस तरह से आप 8 काटा या 10 काटा तक बीन लीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिए अंगूठा के लिए लपाई हो गया है। अब 8 काटा तक ये बीन लीजिए। इसको बीनने के बाद फिर इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। इसको सुई धागा से या इसी से बंद कर देंगे। देखिए ये 8 काटा बीनने के बाद इस सुई में उन पर फंसा दीजिए धागा काट के, इसको इसी में सबको उठा लीजिए इस तरह से। जैसे आप इसको बनाया है इसी तरह से बाकी बनेगा उल्टा सुसाई से। देखिए इस तरह से इसको उठा लीजिए, इसमें फंसा दीजिए। देखिए इस तरह से खींच दीजिए धागा, तो आपका ये बच्चे का अंगूठा ये तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह से अंगूठा तैयार, टाइट कर दीजिए। ये इस तरह से बन गया। अब ये बनने के बाद इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, आधा आधा कर लेंगे दोनों घर को। अब यहाँ मेरा 20 घर बचा है, आप 10-10 घर उसी तरह से भाग कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से, फिर इसको भी इस तरह से घुमा दीजिए, ठीक है। देखिए ये इस टाइप का बन जाएगा। फिर इधर साइड ये दोनों तरफ सी दीजिए, इसको भी थोड़ा सा यहाँ तक सी दीजिए। इस टाइप से यहाँ का मोजा बनेगा। ये देखिए इसी तरह से पीछे वाला को बीनना नहीं है, आगे वाला को बीनते जाना है, ठीक है। यहाँ ऊन फंसाइए, एक और काटा का आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे है हम एक घर बीनेंगे, ये उल्टा साइड से हम बीन रहे हैं। इस तरह से एक घर बीनेंगे, ठीक है। ये घर को उतार लेंगे, पीछे वाला काटा का घर को आप उतार लीजिए, संभल के कीजिएगा, खुलने का डर रहता है। आगे साइड का बीन लीजिए उल्टा इस तरह से, इसको गिट्ठा लगा दीजिए। फिर पीछे वाला उतार लीजिए, आगे वाला को बीन लीजिए। इस तरह से आपको एक भी ध्यान रखना होगा कि एक घर उतारना है और एक घर बीनना है। जो हम बीने हैं उसे बाद में दूसरा काटा पर नहीं बीनना है, और जो नहीं बीने हैं उसे बीनना है। पीछे वाला उतार रहे हैं, आगे वाला बीन रहे हैं। इस तरह से हम 5 घर 10 घर बीनेंगे, 10 घर मेरा उतर जाएगा। इसे संभाल के आपको करना है। पहला लाइन देखिए इस तरह से, इस तरह से ये उंगली का आ गया। देख लीजिए ये बिना हुआ नहीं है, इसे हम बीनेंगे। ये पीछे का है इसे हम उतार लेंगे, ये आगे का है बीन लेंगे, ये पीछे का है उतार लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसे भी बीनिए। एक घर उतारना है, एक घर बीनना है, एक घर उतारना है, पीछे का घर को उतारना है
आगे का घर को बीन देना है, पीछे का उतारना है, आगे का बीनना है। इस तरह से आप ये वाला जैसे अंगूठा में बनाए थे इसी तरह से ये बनेगा। देखिए ये अंगूठा जो बनाए थे इस तरह से, इसे भी पलटेंगे तो इस तरह का आएगा। देखिए उंगली घुस गया है ना, इस तरह से। एक भी घर अगर गलती बनाया तो आपका ये बंद हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको भी 10 काटा बिनना है और साइड से दो दो घर को बंद करना है, क्योंकि ये इस तरह से तिरछा आएगा। देखिए ये इस तरह से तिरछा आएगा, तो इधर साइड आपको घर दो दो घर बंद करते जाना है, ठीक है। अब बाकी घर जब बचेगा फिर उसे बंद कर दीजिएगा। इधर साइड से दो दो घर बंद करता है, बंद करना है, ठीक है। इसी तरह से इसको 10 काटा बिनिएगा। देखिए ये दो काटा बिनने के बाद इधर साइड से नहीं उठा है, इधर इधर साइड से दो घर एक साथ बंद करेंगे, ठीक है। ये दो घर एक साथ बंद कीजिएगा, इस तरह से बंद हो गया। फिर इसे बिन लेंगे से, पीछे का उतार लीजिएगा, आगे का बिन लीजिएगा, पीछे का उतार लीजिएगा, आगे बिन लीजिएगा। इस तरह से इसको कंप्लीट कीजिए, पीछे उतार लीजिए, आगे बिन लीजिए, इस तरह से। देखिए इधर साइड इसी तरह रहेगा। इस साइड से दो दो घर इस तरह से बंद करते जाइएगा, ज्यादा नहीं बंद करना है, बस चार बार बंद कीजिएगा, बाकी सबको फिर बंद कर दीजिए। इसको फिर दो घर को एक साथ बंद कर दीजिए साइड से। देखिए पीछे का उतार लीजिए, आगे का बिन लीजिए, इस तरह से ये कंप्लीट कीजिए। किनारे साइड आपको घर बंद करना है दो दो। ये जो है ये अंगूठा से ये लंबाई होना चाहिए, अंगूठा से लंबा होना चाहिए, ठीक है। इधर साइड आइए बिन के, देखिए इस तरह से ये तिरछा होता जा रहा है। फिर यहाँ दो घर बंद करेंगे, घर उतारेंगे, इस तरह से बिनते जाइए। सिर्फ इधर साइड ही घर बंद करना है, इधर साइड नहीं करना है, अंगूठा की तरफ नहीं बंद करना है, ठीक है। देखिए यहाँ हम चार घर घटा दिया, अब यहाँ 16 घर बचा है। अब हम इसे देखिए ये अंगूठा से भी बड़ा हो गया है, अब हम इसे बंद कर देंगे, इसे अब हम बंद कर देंगे। इस तरह से बंद कर दीजिए, इस तरह से सारा घर को बंद कर दीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह से पूरा घर बंद कर दीजिए। तो से ये बंद हो गया, अब हम इसे उलट देंगे। देखिए को उलट के हम दिखाते हैं, इसे भी उलट दीजिए। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पर ये यहाँ तक सिला जाएगा, कुछ दूरी तक, ठीक है। देखिए ये इस तरह का पैर बनेगा, यहाँ पर सिला जाएगा, इधर साइड भी, ये साइड भी आप सिला जाएगा, ठीक है। इस तरह का देखिए इसे उल्टा कर लीजिए, उल्टा साइड से ये दोनों को इधर पकड़ के इधर किनारे साइड पहले सी लीजिए, ठीक है। इधर साइड सी लीजिए,
तरह से बराबर मिला करके ये पूरा इस तरह से सी दीजिए। इस तरह से दोनों मिला के ये पूरा सी लीजिए। गिट्ठा लगा दीजिए, ये हो गया। इस किनारे साइड सिला गया। अब इधर भी हम इस तरह से रख के बराबर से इसको यहाँ तक सी देंगे, ठीक है। देखिए, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 सात या आठ तक आप इसे सी दीजिए, ठीक है। 8 तक सी दीजिए। ये जो धारी है, इसका ये जो धारी है, ये 8 तक सी दीजिएगा, ठीक है। ये 8 धारी तक सी दीजिए, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से ये मोजा कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये मोजा कंप्लीट, ठीक है। देखिए, ये 1 से 2 साल तक का भी बच्चा ये पहन सकता है। 10 नंबर का काटा में बिनिए, ठीक है। बाय।